हे गाइस, गुड नाइट, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज जो है प्रकाश भाई यहाँ से गांव जाने वाले हैं। बड़ौदा स्टेशन से जो है ट्रेन पकड़ेंगे और जो है अपने गांव जाएंगे, उत्तर प्रदेश। कहाँ जाएंगे अगर भाई? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं। उतरोला गांव इनका पड़ता है। अब देखिए जो है प्रेस कर रहे हैं कपड़े का, और यहाँ देखिए दोस्तों ये कपड़े का जो है सारा सामान अभी बिखरा हुआ है, सब समेट करके और जो है निकलना है यहाँ से। और जो है खाना वाना देखिए बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। ये भुजिया रोटी है और चावल भी बन चुका है, सब्जी भी बन चुका है। अभी खाना पीना खा के हम लोग जो है निकलेंगे बस स्टैंड की तरफ। दोस्तों, इसमें गाड़ी देखिए जो है अंदर रख दी है, क्योंकि बाहर क्या चोरी होने का भी डर रहता है। मित्रों, फाइनली हम लोग जो है बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। हम लोग का बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। ये रात के हैं, 12 बज चुके हैं। अभी जो है बस अभी नहीं आई है, बस वाने में जो है अभी आधा एक घंटा लेट है। मित्रों, फाइनली हम जो है बस में बैठ चुके हैं बड़ोड़ा के लिए। तो दोस्तों, हम लोग जो है फाइनली बिल्कुल बड़ौदा बस स्टैंड पे आ चुके हैं। यहाँ देखिए दुकानें वगैरह जो है सो लगा हुआ है, लोग है जो साला। दोस्तों, ये रहा बड़ौदा का बस स्टेशन। देखिए कितना जो है सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। और देखिए यहाँ पे बहुत काफ़ी लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों, अब यहाँ से जो है हम लोग बाहर निकलेंगे और बस स्टैंड से बाहर निकल के जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। ये देखिए बड़ौदा मोबाइल मार्ट, यहाँ पे जो है मोबाइल की बहुत सारी दुकानें यहाँ पे उपलब्ध है। दोस्तों, रात के जो है 1 बज चुके हैं। देखिए जो है बड़ौदा स्टेशन हम लोग जो है आ चुके हैं बस स्टेशन, और थोड़ा ही आगे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो है रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, हम लोग जो है फाइनली यहाँ पे बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास जो है पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहा है। यहाँ पे रोड में जो है काम चल रहा है। देखिए बिल्कुल जो है दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारा जो भीड़ है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, देखिए यहाँ पर बसें आ रही है। ये बड़ौदा रेलवे स्टेशन का जो है लोकेशन है दोस्तों ये। तो मित्रों, देखिए मैं और जो है प्रकाश भाई अब बिल्कुल जो है रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच चुका हूं। और दोस्तों देखिए, ये जो है प्रवेश द्वार है। तो देखिए प्रवेश द्वार रहा। दोस्तों, ये बैक साइड में जो है यहाँ होटल वोटल की जो सुविधा मिल जाए, रूम वगैरह की जो सुविधा यहाँ पे जो है मिल जाता है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन का जो है कार पार्किंग है, और जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह जो है यहाँ पे देखिए, और हम लोग जो है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के नज़दीक बिल्कुल पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अभी भीड़ रहने वाला है, और यहाँ पे कार वगैरह जो है पार्किंग किया जाता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बड़ौदा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, मैं जो है प्लेटफॉर्म टिकट देखिए ले चुका हूँ यहाँ पे। अब जो है हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो है बड़ौदा का रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट है, मैं वो लिफ्ट में जो है जा रहा हूँ दोस्तों। और देखिए अब दोस्तों फाइनली जो है मैं एक लिफ्ट से पहुंच चुका हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आ गया, ये आ गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है लिफ्ट से उतर चुके हैं। लिफ्ट से उतरने के बाद जो है हम लोग अब कितने नंबर जाना है, कौन सा नंबर जाना है? तो दोस्तों, अपने को जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो दोस्तों ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। और ये देखिए सीढ़ी है, बिल्कुल प्लेन है।
यहाँ से हम लोग जो है नीचे उतरेंगे और इसी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रेन आएगा और उसी ट्रेन में जो है बैठने वाले हैं प्रताप भाई। देखिए जो है ट्रेन आ चुका है यहाँ पे, ये जनरल डब्बा है। तो दोस्तों फाइनली जो है एसी है B1 आगे 56 नंबर ना। तो दोस्तों ये रहा ट्रेन का एसी डब्बा जो है, अभी एसी डब्बे में जो है सफ़र करेंगे। अब जो है ट्रेन कुछ ही समय में खुलेगी। एसी डब्बे जो होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, उसमें जो सारी सुविधाएं होता है उसके अंदर जो है, ऐसा नहीं कि पूरा भरा हुआ रहता है, कचकिच रहता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गेट उट भी देखिए यहाँ पर सेफ़ रहता है। दोस्तों बड़ौदा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जो है गाड़ी रवाना हो चुकी है अपने गांव की तरफ। यहां जो ट्रेन जो है बिल्कुल चालू हो चुकी है और ये ट्रेन रही अपनी, ये बांद्रा टर्मिनल बरौनी। तो दोस्तों अब चलते हैं यहां से। दोस्तों सुबह के जो है 5:30 बज चुके हैं और मैं जो है बस स्टैंड आ चुका हूँ, हालुल बस स्टैंड जो है वापस आ चुका हूँ। दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं, वह हालुल चौकड़ी आ चुके हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे जो है सभी मोबाइल की जो है सब दुकानें हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो कर देना लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों तो अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। जय हिंद, वंदे मातरम।